फॉरेस्ट के लिए, प्राकृतिक संपदा के लिए काम करना मुझे लगता है कि एक सम्मानित प्रोफेशन है, इसलिए इस बैकग्राउंड के लोग भी इस प्रोफेशन में जा रहे हैं। प्रकृति की सेवा के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड मुझे लगता है कि मानव समाज की बड़ी भारी सेवा कर रहा है। आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं आप सबको, खासतौर से जिन्हें अभी मेडल दिए गए उनको भी मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। मेडल्स की संख्या सीमित होती है और इसलिए जिसको नहीं मिला है मुझे लगता है कि उसको भी उत्साह से ही आगे आने वाले दिनों में काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की मिट्टी आप सबको पता है कि सैविज्म बुद्धिज्म की खुशबू है। और एक छोटी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, एक बड़े प्रसिद्ध बौद्ध गुरु से उनके शिष्य ने एक सवाल किया कि गुरुवर बुद्धिज्म है क्या, तो उनका जवाब जो था वो मुझे लगता है कि गौर करने लायक है। हवा चलने पर बांस के पेड़ों से जो आवाज आती है वही बुद्धिज्म है। नेचर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर के भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन मुझे लगता है कि पुरातन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति का यह अंग रहा है। और आज जो सभी 98 फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग के साथ मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखना होगा। कुछ दिन पहले एक मैगजीन ने फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अनसंग हीरोज, ने गुमनाम नायक। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक ये हीरो हैं, लेकिन ये गुमनाम नहीं है। जिन मुश्किल इलाकों में आगे चलकर आप और आपके सीनियर अफसर रोज काम करते हैं और अनगिनत बाधाओं से जूझते हैं, चाहे वह शिकारियों से निपटना हो, अतिक्रमणकारियों, तस्करों, माफियाओं से लोहा लेना हो, आजकल बढ़ रहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना हो, जंगल की आग से जूझना हो, मैं मानता हूं कि जान जोखिम में डालकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के लिए जो काम करता है वो अनसंग हीरो नहीं है, वह रियल हीरो है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जब भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल अभियानों की चर्चा होगी, उसमें योगदान देने वालों में फॉरेस्ट गार्ड्स का नाम सबसे ऊपर लिखा।